नमस्कार दोस्तों, मैं सुभान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिसमें हम अल्कोहल के बारे में आपसे डिस्कस कर चुके हैं, फिनॉल के बारे में आपसे डिस्कस कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे ईथर के बारे में। और पिछले लेक्चर में भी हमने ईथर के बारे में ही बात की हुई थी। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपके सारे पिछले लेक्चर कवर किए जा चुके हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8.9। दोस्तों, इस चैप्टर का यानी 8th चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है, यहीं से आपका लेसन फिनिश हो जाएगा और हमारा अगला लेसन भी स्टार्ट होगा। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था, ईथर को वहां पर बनाया हुआ था और ईथर का फॉर्मूला हमने बताया था, सर ऑक्सीजन होना चाहिए, इसके दोनों साइड में क्या जुड़े होने चाहिए, एल्किल ग्रुप जुड़े होने चाहिए। और एल्किल ग्रुप, अगर दोनों एल्किल ग्रुप जो ऑक्सीजन से जुड़े हैं, अगर वो दोनों के दोनों समान है, तो इसका मतलब क्या होगा सर, वो सममित ईथर होगा। अगर दोनों के दोनों एल्किल ग्रुप क्या है, आपके अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या होगा सर, उसे कहते हैं असममित ईथर। सो दोस्तों, वहां पर सममित और असममित की बात की हुई थी। और उसके बाद में हमने डाई एथिल ईथर को भी बनाया हुआ था। वहां पर हमने क्या कहा था सर, सिंपल सी बात है, आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लीजिए। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के कितने अणु चाहिए थे, दो अणु चाहिए थे। मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या होता सर, ऐसा अल्कोहलिक लेना है या ऐसा अल्कोहल लेना जिसमें केवल और केवल एक OH ग्रुप लगा हो। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के दो अणु लेते थे, उसमें से वाटर को निकाल देते थे, तो हम क्या कहते थे सर, हमको क्या मिल गया, डाई एथिल ईथर प्राप्त हो गया। या हम विलियम संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा हम क्या करते थे सर, डाई एथिल ईथर को प्राप्त करते थे। तो दोस्तों, ये हमने रिएक्शंस करी हुई थी लास्ट लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 8.8 में इन सारी रिएक्शंस को हमने देखा हुआ था। आज के लेक्चर में हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे डाई एथिल ईथर बनाने की कुछ अन्य विधियां। तो जैसा कि हमने यहां पर हेडिंग बना दिया है, बनाने की विधि, और टॉपिक पड़ा हुआ है डाई एथिल ईथर किसके माध्यम से बनाया जाएगा, अन्य विधियां क्या होती हैं इसका डिस्कशन हम करेंगे, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं इसका डिस्कशन करेंगे, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं इसका डिस्कशन करेंगे, और हमारे दो टॉपिक छोटे छोटे और हैं उनका भी डिस्कशन करेंगे, और हमारा लेसन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। सो दोस्तों, उम्मीद हम पूरी करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, नोट्स भी पढ़ रहे होंगे। इस क्रम को आप बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर ये क्रम हल्का सा भी डिस्टर्ब हुआ, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो वहां पर क्या करना है आपको, अच्छे से तैयारी करनी। अच्छे से तैयारी नहीं होगी तो वहां पर प्रेजेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों, सिंपल सी बात है, बात करते हैं यहाँ पर बनाने की विधि क्या होती है, बनाने की अन्य विधियां किसके लिए, डाई एथिल ईथर के लिए। सबसे पहली विधि है सर, हमने क्या लिया, एथिल आयोडाइड लिया। क्या लिया, एथिल आयोडाइड, C2H5 को हमने कई बार बोला, इसको क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। आई के साथ लगा, इट मींस क्या होगा सर, आयोडाइड होगा। एथिल का मतलब सर हमने यहां पर R लिया है, और आयोडाइड का मतलब क्या हुआ सर, यहां पर हमने X लिया है। जब हम RX की रिएक्शन किसके साथ करा दे, Ag2O के साथ करा दे, और हमको ध्यान क्या रखना है सर, जब हम Ag2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये वाला X जो होगा वो Ag के साथ बाहर हो जाएगा। X यहाँ पर कितने हैं, दो X हैं कि नहीं, जरा देखिए, आयोडीन कितने हैं यहाँ पर, दो आयोडाइड हैं आपके कि नहीं, तो यहाँ पर आप 1 मान लीजिए, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और Ag भी आपके पास कितना है, 2 है। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ Ag निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अब आपके पास क्या बचा हुआ सर, C2H5 हमारे पास बचे हुए हैं 2, और एक ऑक्सीजन बचा हुआ, तो क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, C2H5O C2H5, और यही क्या है सर आपका, डाई एथिल ईथर है। ईथर का मतलब सर ऑक्सीजन है, इसके इस साइड में एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस साइड में एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब हम आपसे पूछे सर, ये सममित ईथर है कि असममित ईथर है, तो आंसर क्या होगा सर, इसे कहेंगे सममित ईथर। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहां पर भी एथिल लगा हुआ है, यहां पर भी एथिल लगा हुआ है, दोनों तरफ अगर एल्किल ग्रुप समान होते हैं तो क्या कहलाता है, सममित ईथर कहलाता है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं पहली रिएक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं दूसरी रिएक्शन की तरफ। अब दोस्तों, दूसरी रिएक्शन, ये आपने रिएक्शन की हुई है और हमने पिछले लेक्चर्स में कराया भी है। यहां पर क्या कर रहे हैं सर, अल्कोहल की हम रिएक्शन करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को देखते हैं, तो हमारा मन होता है सर इसको दो पार्ट में तोड़ दे। पहला पार्ट क्या होता है सर, होता है HSO3, जिसे हम सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, या SO3H, इसको सल्फोनिक एसिड को, एक सेकेंड उल्टा हो गया है थोड़ा सा, इसको क्या बोलते हैं, SO3H
H और इसको किस में ट्रोल करते हैं OH में। अब जरा देखिए सर ये H2SO4 ही तो है, जहां पर भी आप सल्फ्यूरिक एसिड को देखेंगे वहां पर मन क्या होगा सर SO3H में बना ले OH में बना ले। अब इसका मतलब होगा क्या सर C2H5 आपके पास है, यहां से OH है, यहां से SO3H है, चलिए देखते हैं क्या बनेगा। तो C2H5 के साथ ये वाला जो सल्फोनिक एसिड है वो क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। अब ये C2H5O और SO3H ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या बचा आपके पास सर ये OH बचा है, यहां से हाइड्रोजन बचा है, क्योंकि अल्कोहल की हमको दो प्रॉपर्टी पता है, पहली प्रॉपर्टी जिसमें OH समूह पूरा विस्थापित होता है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जिसमें OH समूह से केवल और केवल हाइड्रोजन विस्थापित होता है। तो यहां से हमने क्या किया सर, यहां से केवल हमने हाइड्रोजन को विस्थापित किया और इस वाले OH के साथ मिलकर उसने क्या बना दिया वाटर बना दिया। अब ये जो कंपाउंड हमको यहाँ प्राप्त हुआ है इसकी फिर से रिएक्शन हम कराएंगे एथिल अल्कोहल के साथ, यानी यहां से जो कंपाउंड प्राप्त होगा इसकी रिएक्शन पुनः हम एथिल अल्कोहल के साथ कराएंगे। तो यहां से क्या होगा सर ये C2H5 है, ये C2H5 है, इस वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना देगा C2H5O C2H5 प्लस आपके पास क्या बचा हुआ है सर SO3 बचा हुआ है और एक H बचा हुआ है और एक O बचा हुआ है। इसका मतलब ये क्या बना देगा सर H2SO4। O4 कैसे बनाया, O यहां पर 3 है, एक O यहां पर आ गया, 4 O हो गए। H2 कैसे बना, एक H यहां पर है, एक H यहां पर है, यानी H2 बन गया। S कितना है सर, S आपके पास कितना है, एक S है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड पुनः आपको प्राप्त हो चुका। सो दोस्तों ये विधि डबल स्टेप में कंप्लीट होती है, इसी विधि को हम कहते हैं अविरत ईथरीकरण विधि। ये विधि ध्यान रखिएगा, कभी कभी नाम से भी आ जाता है कि अविरत ईथरीकरण विधि क्या होती है, तो आपको ध्यान क्या रखना सर अल्कोहल की रिएक्शन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो सल्फोनिक एसिड का जो ग्रुप होता है वो हमारा C2H5O के साथ ऐड हो जाता है और वहां से वाटर निकल जाता है। जब वाटर निकल गया फिर इसके जो यहां से कंपाउंड प्राप्त होगा इसकी हम पुनः रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जैसे ही ये पुनः एथिल अल्कोहल के साथ जैसे ही पुनः इसकी एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तुरंत आपको क्या मिल जाएगा सर डाई एथिल ईथर मिल जाएगा और H2SO4 प्राप्त हो जाएगा। और इस विधि को ही हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अविरत ईथरीकरण विधि। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों विधियां आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। पहली विधि में हमने क्या किया Ag2O के साथ रिएक्शन किया, दूसरी विधि में हमने इससे क्या किया, तो दूसरी विधि में हमने ये देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने से हमको क्या मिलेगा। सबसे पहले एथिल अल्कोहल की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, फिर कार्बनिक यौगिक जो मिला उसकी रिएक्शन हमने फिर से किसके साथ किया सर एथिल अल्कोहल के साथ, पुनः एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया तो हमको क्या मिल गया डाई एथिल ईथर प्राप्त हो गया। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं दोनों रिएक्शन आप अच्छी तरीके से कर भी ले जाएंगे। बढ़ते हैं इसके भौतिक गुणों की तरफ, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके रासायनिक गुणों की। भौतिक गुणों की यहाँ पर हेडिंग बनी हुई है, ये हेडिंग में हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ सर रंगहीन। इसका मतलब क्या होता है, जो आपका डाई एथिल ईथर होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, डाई एथिल ईथर आपका कैसा होता है, वाष्पशील होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, त्वचा पर डालने पर ठंडा अनुभव होता है, यानी जो डाई एथिल ईथर होता है जब वो त्वचा पर पड़ता है तो आपको ठंडा अनुभव होता है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पॉइंट है सर, ईथर की वाष्प सूंघने पर निश्चेतना उत्पन्न हो जाती है। निश्चेतना का मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, बेहोश हो जाना या बेहोशी आना या मूर्छा आना, तो इसे ही क्या बोलते हैं सर, निश्चेतना बोलते हैं। अगर ईथर की वाष्प को आप सूंघ लेंगे, और वाष्प को आप कब सूंघ पाएंगे सर, जब वो क्या होगी, वाष्पशील होगी। और आपको क्या पता सर, अगर त्वचा पर पड़ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा सर, वहां से हमको क्या होगा, ठंडा अनुभव होगा। तो ईथर की वाष्प सूंघने पर क्या हो जाती है, निश्चेतना, यानी एज अ मूर्छा टाइप नहीं बोलते हैं जिसको, मूर्छा आना या बेहोशी आना उस तरीके से आप समझ सकते हैं, तो निश्चेतना आपके उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, जो डाई एथिल ईथर होता है वो आपका ज्वलनशील द्रव है। कैसा द्रव है, ज्वलनशील द्रव है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आप
अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं डाईएथिल ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण क्या होते हैं। सो दोस्तों डिस्कस करते हैं डाईएथिल ईथर के रासायनिक गुण आखिरकार क्या होते हैं, इनको हम कैसे पढ़ेंगे इसकी भी हम बात करते हैं। सो दोस्तों जैसा कि हमारे पीछे आप यहाँ पर डाईएथिल ईथर के रासायनिक गुण लिखे हुए देख रहे हैं, इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों सबसे पहला हमने यहाँ पर रासायनिक गुण लिया है, रासायनिक गुण किसका पढ़ रहे हैं, डाईएथिल ईथर का। इसका मतलब डाईएथिल ईथर क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। अच्छी बात है, पार्टिसिपेट करना भी चाहिए। अगर डाईएथिल ईथर आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो आपको क्या देगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। यहां से डाईएथिल ईथर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और आपको क्या दे रहा है सर, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और यहां से क्या बोलते हैं इसको, वाटर बोलते हैं यानी जल देता है। जब एथिल अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रिएक्शन तो क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट सर ये क्या लिखा हुआ है, इसका नाम क्या होगा, तो कोई अगर बता सकता है तो अच्छी बात है, आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा कि इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, C2H5O, क्यों लिखा, क्योंकि C2H5 कितनी बार लिया गया है, दो बार, और ऑक्सीजन कितनी बार लिया है, एक बार। तो इसका मतलब क्या, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यस सर बिल्कुल, इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं इसका मतलब ये है क्या सर, ये डाइएथिल ईथर ही तो है, तो आप डाइएथिल ईथर को आप ऐसे लिखिए या डाइएथिल ईथर को आप ऐसे लिखिए, बात दोनों क्या है, सेम है। सो दोस्तों बात करते हैं सर, ये डाइएथिल ईथर हो गया, पहले हमने रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, अब किसके साथ करा रहे हैं, वाटर के साथ। अगर डाइएथिल ईथर आपका वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और उपस्थिति किसकी होगी, तनु सल्फ्यूरिक एसिड की, तो आपको क्या मिलेगा सर, इसे क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल। ये क्या है सर, आपका एथिल है, ये क्या है, एल्कोहल है। इसका मतलब यहां से क्या हुआ सर, जो डाइएथिल ईथर होता है वो जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमको क्या देती है, एथिल एल्कोहल प्राप्त होती है या एथिल एल्कोहल देती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है सर, ये भी आपका क्या है, डाइएथिल ईथर है, पहले ऑक्सीजन के साथ कराया फिर वाटर के साथ करा, या अब किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा सर, ये क्या है, एथिल है, ये क्या है, हाइड्रोजन है। SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट, यानी यहां से आपको क्या मिलेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिल जाएगा। इसका मतलब सर यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, और कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, क्योंकि यहां पर चार हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन आप ऑलरेडी यहां पर ले चुके हैं, तो दो हाइड्रोजन बचे और ये वाला ऑक्सीजन बचा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा। क्या डाइएथिल ईथर लिया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसने रिएक्शन किया और हमको दिया क्या सर, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट देता है और वाटर बनाता है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये तीनों रिएक्शंस आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी कह रही है सर डाइएथिल ईथर होना चाहिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। ये क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जब ये डाइएथिल ईथर आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको क्या देगा, जैसा सभी को पता रहता है सर, जब ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है, फास्फोरिल क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है, फास्फोरिल क्लोराइड, और फास्फोरिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, POCl3 होता है। और दोस्तों यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एल्किल हैलाइड मिल जाएगा, मतलब एथिल क्लोराइड मिल जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाली रिएक्शन भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। कुछ नहीं करना था सर, पहले रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ किया, फिर रिएक्शन वाटर के साथ किया, फिर रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया, फिर रिएक्शन हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ किया। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या क्लियर हो जाता है सर, एल्किल हैलाइड मिलेगा और फास्फोरिल क्लोराइड मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है सर, यहाँ पर फिर हमने क्या लिया, डाइएथिल ईथर लिया। डाइएथिल ईथर रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, तो आपको क्या देगा, पर क्लोरो डाइएथिल ईथर। क्या देगा, पर क्लोरो डाइएथिल ईथर। पर क्लोरो का मतलब क्या होगा सर, C2Cl5 का होल ट्वाइस इंटू ओ, इसे बोलते हैं
क्लोरो डाई एथिल ईथर। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पांचों रिएक्शंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आप इन पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा, नोट्स जरूर पढ़िएगा। जैसा सभी को पता रहता है, हम हर वीडियो में भी बोलते हैं जो भी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इन सभी चीजों के आपको हैंड रिटन नोट्स आपको प्राप्त होते हैं। वो हैंड रिटन नोट्स आपको कहाँ मिलते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया जाता है, लिंक पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं और पढ़ाई वहां से जरूर करते हैं। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसा कि हमने डाइएथिल ईथर के बनाने की विधियां देखी, डाइएथिल ईथर बनाने के बहुत जब बन गया तो उसका हमने क्या देखा, भौतिक गुण देखा। उसके बाद डाइएथिल ईथर के रासायनिक गुण देखे, उसमें पहले ऑक्सीजन के साथ, फिर वाटर के साथ, फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फिर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। फिर हमने देखा सर इसकी अगर रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा देंगे प्रकाश की उपस्थिति में तो हमको क्या मिल जाएगा, पर क्लोरो डाइएथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब बढ़ते हैं कुछ अपने दो नए टॉपिक की तरफ, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, उनको पढ़ेंगे और हमारा लेसन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स। सो दोस्तों हम डिस्कस करते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है, आखिरकार वो टॉपिक कैसे किया जाएगा, इसकी हम बात करेंगे। सो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है एरोमेटिक ईथर। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एलिफेटिक ईथर के बारे में। एलिफेटिक का मतलब खुली श्रृंखला, एरोमेटिक ईथर का मतलब सर आ गई बेंजीन रिंग आ गई, या आप ऐसा समझ सकते हैं वहां पर क्या आ गया, एरोमेटिक रिंग आ गया। और इस तरीके से हमने कई बार चर्चा भी करी हुई है एरोमेटिक के बारे में। सो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे एरोमेटिक ईथर, क्या हम एरोमेटिक ईथर भी बनाते हैं? तो आंसर क्या है, यस सर। तो एरोमेटिक ईथर जो होते हैं वो आपके प्रकार के होते हैं। पहले ईथर का नाम होता है फिनोलिक ईथर। इसको क्या बोलते हैं सर, पहले ईथर को बोलते हैं फिनोलिक ईथर और दूसरे ईथर को बोलते हैं डाइफेनिल ईथर। क्या बोलते हैं, डाइफेनिल ईथर। पहले ईथर का नाम फिनोलिक ईथर, दूसरे ईथर का नाम डाइफेनिल ईथर। सो दोस्तों ये हमारे क्या होते हैं, एरोमेटिक ईथर होते हैं। जैसा हमको पता है सर ईथर का फॉर्मूला होता है, यहां पर एल्किल ग्रुप होना चाहिए, यहां पर एल्किल ग्रुप होना चाहिए। अब हमको बनाना है एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर का मतलब क्या होगा सर, वहां पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, C6H5 लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, C6H5 लगा दिया। अब चलिए एक समय के लिए सपोज कर लीजिए फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो फिनॉल का फॉर्मूला यही तो होता है सर C6H5OH, इसे क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। अगर हम इसका हाइड्रोजन हटा दें तो उसको क्या बोलेंगे, फेनिल बोलेंगे, यही तो बोलेंगे। इसका हाइड्रोजन हटा देंगे या इसका पूरा OH हटा देंगे तो इसको क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं, यही बोलते हैं। अब इसको बात करेंगे सर ये ऑक्सीजन लगा रहने दीजिए, यहां पर हमने लगा दिया CH3 लगा दिया, तभी इसको हमने क्या बोला, फिनोलिक ईथर बोला। तो इस ईथर का नाम क्या हो गया, फिनोलिक ईथर। तो फिनोलिक ईथर का फॉर्मूला सर, यहाँ पर फेनिल समूह लगा हुआ है, ईथर का समूह लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है सर, मेथिल समूह लगा हुआ है। इसको मेथॉक्सी बेंजीन भी बोलते हैं, नाम ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी बेंजीन भी बोलते हैं। ये क्या है, बेंजीन हो जाएगा, ये ऑक्सी समूह हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी बेंजीन भी बोलते हैं, या आप इसको फिनोलिक ईथर भी बोल सकते हैं। क्योंकि यहां से क्या हुआ है सर, C6H5 एक साइड में लगाया, ये हो गया फेनिल, ये हो गया ईथर का समूह, यहां पर क्या लगा दिया, मेथेन लगा दिया, यानी मेथिल लगा दिया। नेक्स्ट हमारा डाइफेनिल ईथर। डाइफेनिल का मतलब सर ऑक्सीजन के दोनों तरफ आप क्या लगा देंगे, फेनिल ग्रुप लगा देंगे। और फेनिल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5। तो यहां पर क्या हो गया सर, डाइफेनिल ईथर हो गया। अब सर ये बताइए ये सममित ईथर है कि ये सममित ईथर है, तो आंसर आपका क्या होगा सर, सिंपल सा आंसर होगा, जहां पर दोनों एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो असममित ईथर होता है। और जहां पर दोनों के दोनों एल्किल ग्रुप आपके समान होते हैं वो कैसा होता है, सममित ईथर कहलाता है। सो दोस्तों ये वाला असममित ईथर हो गया, ये वाला सममित ईथर हो गया। अब बारी बारी से इनको बना लेते हैं। पहला हम बात करेंगे फिनोलिक ईथर के बारे में। सो दोस्तों फिनोलिक ईथर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पहली रिएक्शन को देखते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिया हुआ है, C6H5ONA। C6H5 का मतलब R, O का मतलब O, Na का मतलब A, Na। तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड, यही तो बोलते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे सर, सोडियम फिनोक्साइड बोल सकते हैं या सोडियम बेंजोक्साइड बोल सकते हैं। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, RH से करा रहे हैं। और हमको क्या पता सर, जब भी कोई सोडियम एल्कोक्साइड एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम और हैलाइड क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। आपके पास क्या बचा सर, C6H5 बचा, C6H5 है, आपके पास O बचा, O है, और यहां से जो एल्किल ग्रुप बचा हुआ CH3, वो हमने यहां पर क्या कर दिया, CH3 लगा दिया। और इसे ही क्या बोलते हैं,
इसे ही क्या बोलते हैं सर, फिनोलिक ईथर बोलते हैं, या इसे एनिसोल भी बोलते हैं। इसका नाम दूसरा क्या बताया, एनिसोल। इसको हम मेथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन तो क्लियर हो गई होगी। इस तरीके की रिएक्शन हमने एक बार नहीं लगभग दसियों बार कराई है, तो आप रिएक्शन को प्रैक्टिस जरूर करिएगा तभी आप कर पाएंगे। सो दोस्तों यहाँ से हमने क्या लिया, सोडियम एथॉक्साइड लिया, सोडियम एल्कोक्साइड लिया। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ यहाँ पर अगर फेनिल लगा दिया तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, क्या देगा आपका, फिनोलिक ईथर देगा या एनिसोल देगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, सोडियम आयोडाइड मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, यहाँ से आपने क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया। फिनॉल की रिएक्शन हम करा रहे हैं डाई एजोमेथेन के साथ, एजोनियम बेंजीन C6H5N2Cl। इसको क्या बोलते थे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड यानी N2 समूह कौन सा होता है, डाई एजोनियम समूह होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे सर, डाई एजो। अब किसके साथ लगा हुआ है, मेथेन के साथ। मेथेन के साथ क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हमको पता है सर एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, इसके कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है और दो नाइट्रोजन है, तो ये क्या हो गया आपका, मेथेन हो गया। और डाई एजो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एन कितना है, दो। कैसे हुआ सर, हमको पता है इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, तो इस तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एजो मेथेन। अगर आपका फिनॉल डाई एजो मेथेन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या होगा सर, C6H5 है, C6H5 रहा, O था, O है, ये CH2 था, यहां से H उसके साथ लग जाएगा और क्या बना देगा, CH3 बना देगा, और यहां से N2 क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में भी तो यही करते थे, नाइट्रोजन को बाहर कर देते थे। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं फिनोलिक ईथर बनाना आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके भौतिक और रासायनिक गुण ज्यादा आवश्यक नहीं है। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट डाइफेनिल ईथर। सो दोस्तों बढ़ते हैं डाइफेनिल ईथर की तरफ। दोस्तों डिस्कस करते हैं यहाँ पर डाइफेनिल ईथर के बारे में। आखिरकार जो डाइफेनिल ईथर है उसके बनाने की विधि क्या होगी, उसकी केवल एक विधि को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। सो यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, एल्किल हैलाइड यानी R और X लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, एल्किल हैलाइड, और यहाँ पर क्या लिया हुआ है सर, एल्कोहल ROH लिया हुआ है। जब एल्किल हैलाइड और एल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं किसके साथ, KOH के साथ, और किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में जब रिएक्शन करेंगे तो यहां से क्या होगा सर, ये R होगा, ये R होगा, ये O के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हमारा क्या बना देगा, डाइफेनिल बना देगा। नेक्स्ट जब हमारे पास K बचा हुआ है और यहां से Br बचेगा तो K और Br आपस में रिएक्शन करके क्या बना देगा, KBr बना देगा, और H और एक O यानी H और H मिलके क्या बना देंगे, H2 बना देंगे, और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना देगा, वाटर बना देगा। सिंपल सी बात है सर, एल्किल हैलाइड और एल्कोहल KOH के साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर की उपस्थिति में आपको क्या दे देगा, डाइफेनिल ईथर। ध्यान क्या रखना है सर, एल्किल ग्रुप में आपको क्या लेना है, फेनिल लेना है। तो यहां पर हमने क्या लिया सर, यहां पर भी एल्किल हैलाइड में जो R लिया है वो फेनिल लिया हुआ है, और यहां पर भी जो एल्किल एल्कोहल है उसमें भी R की जगह हमने क्या लिया हुआ है, फेनिल। फेनिल क्यों लिया, क्योंकि हमको बनाना क्या है, डाइफेनिल, इसीलिए हमको दो फेनिल ग्रुप लेने ही लेने हैं। जब तक दोनों फेनिल ग्रुप नहीं लेंगे तब तक हमको डाइफेनिल ईथर नहीं मिलेगा। और ईथर क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में O है और दोनों एल्किल समूह इसके क्या हैं, बराबर है। अगर एल्किल ग्रुप बराबर होते तो इसे क्या बोलते हैं, सममित ईथर कहते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं डाइफेनिल ईथर भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इसी के साथ, इसी टॉपिक के साथ आपका ये लेसन भी समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नया लेसन होगा, उसमें नए लेक्चर्स भी स्टार्ट होंगे। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सारे लेक्चर्स पढ़ते भी होंगे, इनको पढ़ते भी रहिएगा, प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।